वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़ी क्लास सेवन सब्जेक्ट ज्योग्राफी और आज हमारा टॉपिक जो है एयर अराउंड अस, यानी कि हवा हमारे इर्द गिर्द। एयर होता क्या है? एयर जो है ये एक मिक्सचर ऑफ गैस का बना होता है, और वो गैस कौन कौन सी है, जिस तरह से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल जो है, इससे जो है एयर में जो है मिक्सचर ऑफ गैस होती है, ठीक है। और ये एयर जो पाया जाता है ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर जो है जो जमीन की सतह के ऊपर वाले जो हिस्सा जो है जिसमें बहुत सारे जो गैस पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब एयर में कौन कौन सी गैस मेजर गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब देखेंगे इसमें जो कितना परसेंट जो है ये गैस जो कंट्रीब्यूट करती है। नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा जो गैसेज जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है तो वो है नाइट्रोजन, और इसकी परसेंटेज जो है वो 78% है। उससे कम जो है वो ऑक्सीजन, और उसकी परसेंटेज जो है 28% है। और ये जो ऑक्सीजन है ये सपोर्ट करता है बर्निंग को, कि जो भी जमीन के ऊपर जो भी जिसे अगर हमने जलानी होगी तो उसको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन जो है वो किसको, बर्निंग को सपोर्ट करता है, और नाइट्रोजन जो है ये सपोर्ट नहीं करता है। तो एक ही चीज जो है जो जलाने को हमें मदद करती है वो है ऑक्सीजन, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है हमारे इस एटमॉस्फेयर में जिस गैस की है वो है नाइट्रोजन। और जो इससे कम जो है थर्ड नंबर पे जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो मिकदार जो है वो 0.03% है। एयर जो है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार जो है, कंपोजिशन जो है वो 0.003% है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, और उससे कम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्सीजन जो है ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो है ये क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि जब ये रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि जब इंसान सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और हवा जो है अंदर लेता है, ऑक्सीजन को लेता है। और इसी तरह से जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, क्योंकि इनको जो है वो फूड जो है खुद बनाते हैं, और उसको प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये जो है सूरज की लाइट की वजह से, हीट सन की वजह से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अपना जो खुराक जो है वो खुद बनाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये सर्वाइवल फॉर ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से ऑक्सीजन ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए जरूरी है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए जरूरी है। तो ये दोनों जो है जो ये गैसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, ठीक है। तो और जब ये जो सन जो है, अब एयर कंटेंट वेरी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अब खाली इसमें गैसेस ही नहीं पाई जाती बल्कि इसमें वाटर वेपर्स भी है, जो डिपेंड करती है किसी एक पार्टिकुलर प्लेस का वेदर कैसा है, क्योंकि जिस जगह का जो है वेदर जो है हॉट होगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो वहां पे जो ओशन है, सीज है, जब उसके ऊपर जो है हीट पड़ती है तो वो आबी बुखार बन के जो वेपर्स हैं वो हवा में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हवा में जो है, एयर में जो है वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं, वो हीट की वजह से जो एवेपोरेट होते हैं। इसी तरह से डस्ट पार्टिकल जो है वो भी मौजूद होते हैं, स्मोक भी मौजूद होता है हमारे एयर में। तो इसीलिए हम एयर को कहते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और वो गैसेस कौन कौन से, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। और एयर जो क्या करता है, एयर ऑल्सो सपोर्ट लाइफ, एयर क्या करता है सपोर्ट लाइफ, क्योंकि एयर कंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ऑक्सीजन एयर में क्या करता है, ये सपोर्ट करता है लाइफ को। किस तरह से करता है, ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट ये एनिमल्स के लिए जरूरी है तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं ऑन द अर्थ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूजफुल है प्लांट्स के लिए, तभी तो वो अपनी फूड जो है प्रोसेस कर सकते हैं, फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दोनों के लिए, सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। थैंक्स। तो हम